नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर देवसर में। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो है तिरुवनंतपुरम, उसका टेक्नीशियन बी है, जो आईटीआई से जो लोग फिटर करते हैं उसका टेक्नीशियन बी का पेपर है, जिसकी विज्ञापन संख्या आपकी 305 और 306 है, और पोस्ट संख्या है, पद संख्या है 1363 से और 1406 सॉरी 1393 और 1406, और ये आपका दोस्तों हुआ था 2/6/2019, यानी कि हाल ही का है ये। और तो आइए शुरू करते हैं, ये आपका बी सेट है जो कि फिटर के लिए है, टेक्नीशियन बी। तो ये इंस्ट्रक्शन है और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम आया क्या बता रहा हूँ आपको कि जो इंग्लिश वर्ज़न है वो ज़्यादा यूज़ करूँगा, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें अधिक समझ में आती हैं और काफ़ी सही दे रखा होता है। और इसरो वाले भी ये कहते मानते हैं कि जो अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके एवज में अगर आपका इंग्लिश वर्ज़न ही जो है वो सही माना जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिफर्स टू, इसमें कह रहा है जो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग है वो मतलब किस वर्ड को यहाँ पे रिफ़र करती है, किस ऑप्शन को रिफ़र करती है। दोस्तों ड्रेसिंग जो होती है ग्राइंडिंग व्हील में की जाती है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, रीस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील, यानी कि व्हील का जो कटिंग एक्शन है उसको फिर से लाने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि जो हमारे घिस जाते हैं कड़, नए कड़ को पुनः लाने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, और इसके लिए हम ड्रेसर का यूज़ करते हैं, टूल यूज होता है हमारा ड्रेसर होता है। तो पहले का ए ऑप्शन सही है, ड्रेसर चक्र के लिए कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापन, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सीट फॉर ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल्ड होल इज, इसमें कह रहा है ड्रिल किया हुआ होल है उसके मुख पर बोल्ट है उसका हेड बैठाने के लिए जो चपटा तल बनाते हैं वो प्रोसेस कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है हमारा स्पॉट फेसिंग। तो दूसरे का डी ऑप्शन सही है, मुख बिंदु मुखन स्पॉट फेसिंग। देखा दोस्तों यहाँ पे हिंदी थोड़ी ज़्यादा ही कठिन लग रही मुझे, बिंदु मुखन, लेकिन स्पॉट फेसिंग सब लोग आसानी से समझ जाएंगे। दूसरे का डी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज, मैक्सिमम साइज ऑफ लिमिट और मिनिमम साइज ऑफ लिमिट के बीच का अंतर कहलाता है हमारा टॉलरेंस। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन, फॉर ए होल डिजिग्नेटेड एज 28 ± 0.5 mm द टॉलरेंस इज, इसमें कह रहा है एक हमारे पास साइज दे रखा है 28 ± 0.5 mm, इसका टॉलरेंस कैसे निकालेंगे। दोस्तों टॉलरेंस क्या होता है, हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर दोस्तों, वो हमारा कहलाएगा 1 mm निकालेंगे तो आएगा। तो चार का बी ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन, इन ए होल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन फॉर द होल एच इज, इसमें कह रहा होल बेसिक सिस्टम में जो है होल एच के लिए लोअर डेविएशन कितना होता है, 0 होता है। और दोस्तों सॉफ्ट बेसिक सिस्टम के लिए सॉफ्ट का जो अपर डेविएशन जो होता है वो 0 होता है, होल का लोअर डेविएशन 0 होता है और सॉफ्ट का अपर डेविएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर पाँचवें का ए ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ फ्यूज़न ऑफ ए वेल्ड इज नोन एज, इसमें कह रहा है जो वेल्ड है उसके फ्यूजन की गहराई क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन कहलाती है। तो सिक्स का ए ऑप्शन सही है। सातवां, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों, वो होगा 55। दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से 10 एक से 10 तक जोड़ेंगे तो उनका योग आपको 55 मिलेगा। सातवें का ए ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाय प्रेसिंग ए टूल इज नोन एज, उसमें कह रहा है बेलनाकार एक हमारे पास सरफेस है उस पर एक टूल के द्वारा हम प्रेस करके एक विशेष पैटर्न बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं नर्लिंग, और वो टूल हमारा होता है नर्लिंग टूल। तो आठवें का सी ऑप्शन सही है। नौवां क्वेश्चन, द शेप ऑफ ए रास्प कट फाइल इज, इसमें कह रहा है रास्प कट फाइल का आकार कैसा होता है, उसमें होता है हाफ राउंड, और दोस्तों रास्प कट किसमें यूज होती है,
जो हमारे लकड़ी है इसी में यूज होती है। 9 का सी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन देखिए, दिस पंच इज यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। इसमें कह रहा है विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच यूज करते हैं दोस्तों? 60 डिग्री वाला प्रिक पंच। दोस्तों अब कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, एक प्रिक पंच होता है लेकिन सबका बहुत जगह लिखा होगा, देखा होगा आपने कि 60 डिग्री वाले को हम डॉट पंच कहते हैं, लेकिन दोस्तों निमी के अनुसार जो है प्रिक पंच ही इसे कहते हैं। प्रिक पंच दो टाइप के होते हैं, एक तो 30 डिग्री वाला होता है और एक 60 डिग्री वाला होता है। दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 60 डिग्री पर लगाइए सही है। तो 10वें का ए ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन देखिए, 300 मिलीमीटर लंबाई के एक मानक लोहा का अटारे में 375 तन आते हैं, तो ब्लेड के सेट का वर्गीकरण कैसा होगा दोस्तों? हुआ हमारा फाइन, इसकी पिच होगी वो फाइन होगी और सेटिंग इसकी भी वेव सेट होगी। दोस्तों इनकी पिच फाइन नहीं होती है, मतलब दूर दूर पिच बड़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें हम स्टैगर्ड सेटिंग करते हैं, यहाँ पिच नज़दीक है तो वेव सेट करेंगे। तो 11वें का डी ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है, इसमें फाइंड आउट द स्पीड सेटिंग RPM फॉर ए हाई स्पीड स्टील ड्रिल डी डाई दे रखा 24 मिलीमीटर टू कट ए वर्क पीस ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज। मैक्सिमम कटिंग स्पीड विद हाई स्पीड स्टील फॉर फॉस्फोर ब्रॉन्ज इज 35 मीटर प्रति मिनट। तो इसमें आपको निकालना है RPM, तो दोस्तों ये आएंगे आपके 400। आपको सब कुछ दे रखा है, डाया दे रखा है, कटिंग स्पीड दे रखी है, और यहाँ से आप निकाल लेंगे। 12 का ए ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन, 60 डिग्री बिंदु कोण के साथ अगर एक छेनी का नति कोण यानी कि इंक्लाइंड एंगल 39.5 है, तो स्पर्शी कोण यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ चीजल, तो अस्पर्शी कोण कितना होगा? दोस्तों इसको इंग्लिश से पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द क्लियरेंस एंगल। दोस्तों इसमें क्लियरेंस एंगल पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि छेनी का जो इंक्लिनेशन एंगल है पॉइंट एंगल के साथ में 60 डिग्री है, पॉइंट एंगल 60 डिग्री है, इंक्लिनेशन इसका टोटल है 39.9। तो दोस्तों क्लियरेंस एंगल निकाल के क्या करेंगे हम, जो हमारा पॉइंट एंगल है उसका आधा कर देंगे, यानी कि 60 का आधा 30 होगा, और उसको हम इंक्लाइंड इंक्लिनेशन एंगल में से घटा देंगे। क्या करेंगे हम, पॉइंट एंगल का आधा करके इंक्लिनेशन एंगल में घटा देंगे, तो हमारा क्लियरेंस एंगल आ जाएगा, यानी कि 60 का आधा 30, 30 को घटा दिया 39.5 में से, तो हमारा कितना कोण आ गया क्लियरेंस एंगल, 9.5 डिग्री। तो 13 का बी ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन देखिए, चूज़ ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्जर डायमीटर। तो इसका इंग्लिश वर्जन कह रहा है कि चूज़ ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्जर डायमीटर। इसमें कह रहा है उस ड्रिल मशीन का चयन कीजिए जो विभिन्न होल कर सकें बड़े व्यास के लिए। तो दोस्तों वर्दी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन जो होती है वो ये काम करती है। तो 14 का डी ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए, 100 से 125 मिलीमीटर परास के बाहरी परास के मीटरी बाहरी सूक्ष्मापी को एक छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बैरल अंशांकन 16.5 दिखाया और बैरल आधार लाइन के अनुरूप अंगुल त्राण अंशांकन 28 था। छड़ का व्यास कितना होगा? ए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 to 125 मिलीमीटर। इसमें कह रहा है एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसकी रेंज आपकी है 100 से 125 मिलीमीटर, उसका यूज़ कर रहे हैं एक रॉड का डायमीटर मापने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि बैरल के ग्रेजुएशन जो है वो 16.5 कर रहे हैं और थिम्बल और की ग्रेजुएशन जो है बैरल की डेटम लाइंस जो 28वीं लाइन टच कर रही है, 28वीं लाइन उसके सामने है। तो रॉड का डायमीटर क्या है दोस्तों? इसकी मेन रीडिंग अगर देखें हम तो पहले तो इसकी 100 होगी, 100 में आप जोड़ें कितना 16.5, तो हो गया 116.5। अब दोस्तों ये 28 है जो हमारे, इसमें हम लीस्ट काउंट ही गुणा कर देंगे, तो लीस्ट काउंट की मीट्रिक माइक्रोमीटर है तो लीस्ट काउंट कितना होगा इसका 0.01 मिलीमीटर। दोस्तों 116.5 में हम 0.28 मिलीमीटर ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 100
16.78, 116.78 मिलीमीटर। 15 का डी ऑप्शन सही है। 16 क्वेश्चन देखिए, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 0.02 से 0.03% तक होती है। तो 16 का सी ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन देखिए, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन ऑफ सॉफ्टनेस इम्प्रूव्ड मशीनेबिलिटी इंक्रीज डक्टिलिटी टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज कॉल्ड अनीलिंग। इसमें कह रहा है उस हीट ट्रीटमेंट का नाम बताओ जिससे हम मुलायम सॉफ्टनेस को प्राप्त करते हैं, मशीनेबिलिटी यानी कि मशीनन क्षमता को प्राप्त करते हैं, मशीनन योग्यता को, डक्टिलिटी तन्यता को बढ़ाते हैं, आंतरिक जो स्ट्रेस होते हैं उनको हटाते हैं और ग्रेन साइज को रिफाइन करते हैं। दोस्तों ये सब करने के लिए हम अनीलिंग करते हैं। 17 का ए ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन देखिए, सामान्य ताप पर सदा कार्बन इस्पात में होता है दोस्तों एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेंस, दोस्तों वो होता है फेराइट, सीमेंटाइट और पियरलाइट। पियरलाइट, सीमेंटाइट और फेराइट जो है सामान्य ताप पर कार्बन स्टील में होता है। 18 का डी ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग एसेसरीज ऑफ ए लेथ। इसमें कह रहा कौन सी लेथ की एसेसरी नहीं है वर्क होल्डिंग एसेसरी, दोस्तों वो है कैच प्लेट। कैच प्लेट जो है ये वर्क होल्डिंग एसेसरी नहीं है। तो 19 का सी ऑप्शन सही है, प्रग्राही पट्टिका कैच प्लेट। 20वां क्वेश्चन देखिए, वर्तन के दौरान निम्नलिखित में कौन चिप ज्यामिति को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द चिप ज्यामेट्री वाइल टर्निंग। इसमें टर्निंग के दौरान चिप को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? वहाँ रैक एंगल। अगर रैक एंगल पॉजिटिव होगा या निगेटिव या जीरो होगा उसके अनुसार हमारे चिप बनेंगे। तो 20 का सी ऑप्शन सही है, रैक एंगल। 21वां क्वेश्चन देखिए, 30H7/G6 के रूप में जो फिट है वो कौन सी होगी दोस्तों? वो हमारी क्लियरेंस फिट होगी। दोस्तों इसको हमें एक टेबल आती है फिट लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर में टेबल है, तो उसमें हम देखेंगे उसका बेसिक साइज 30 है, H7 और G6 में देखेंगे कितनी टॉलरेंस दे रखी है, उसी के अनुसार हम ये शो करेंगे कि ये फिट कौन सी है। तो 21 का ए ऑप्शन सही है। 22वां क्वेश्चन देखिए, इफ़ द होल साइज में होल साइज दे रखा है 25 प्लस 0.000 प्लस 0.021 और शाफ्ट का साइज दे रखा है 25 प्लस 0.022 और प्लस 0.035, तो मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा दोस्तों? हम इसके निकालेंगे तो मिनिमम इंटरफेरेंस हमारा होगा 0.001 मिलीमीटर। कितना दोस्तों का? 0.001 मिलीमीटर। क्या करेंगे हम इसमें होल का हम मैक्सिमम साइज़ निकालेंगे पहले, तो कितना आएगा 25.021 मिलीमीटर, और शाफ्ट का जब मिनिमम साइज़ निकालेंगे तो वो हमारा कितना होगा 25.022 मिलीमीटर। तो इन दोनों का अंतर हमारा आएगा 0.001 मिलीमीटर। तो 22 का बी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन देखिए, द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस्ड इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। इसमें कह रहा है गैस कटिंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसके दौरान जो हमारा कट की चौड़ाई होती है उत्पन्न हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कर्व कहते हैं, KERF कर्व कहते हैं। जो हमारे गैस कटिंग के दौरान जो हमारे गैस कटिंग जो हमारा चौड़ाई है कट की वो उसको हम कर्व कहते हैं। तो 23 का बी ऑप्शन सही है। 24वां क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग परिणामित ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट द एसी मेन सप्लाई इनटू एसी वेल्डिंग सप्लाई। जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है ये एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो 24 का सी ऑप्शन सही है। 25वां क्वेश्चन देखिए, द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ द फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज। हैंडल का बहुत ही पतला और संकीर्ण भाग जिस हत्थे से जुड़ा जाता है उसे हम कहते हैं टैंग। और दोस्तों ये रखी जाती है नरम, पूरी फाइल में टैंग ही ऐसी एक पार्ट होता है जो नरम होता है। तो 25 का सी ऑप्शन सही है। 26 क्वेश्चन देखिए,
फाइल में कौन सा भाग कठोर नहीं करते हैं दोस्तों, वो टैंग नहीं करते हैं, तो 26 का सी ऑप्शन सही है। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट टूल है दोस्तों, हमारा बेवल गेज जो है अप्रत्यक्ष कोण मापी है। 27 का बी ऑप्शन सही है, बेवल गेज, प्रवर्ट गेज। 28वां क्वेश्चन, 3 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। इसने कहा तीन जो हमारे सिक्के हैं उनको उछाला जाता है तो 2 के हेड आने की संभावना कितनी होती है दोस्तों, वो हमारी होगी 7/8। तो 28 का डी ऑप्शन सही है। 29वां क्वेश्चन देखिए, सर्पिल खांचा जो प्रवेदन की लंबाई तक उतारा जाए उसे कहते हैं, द स्पायरल ग्रुप्स विच रन ऑन द लेंथ ऑफ द ड्रिल आर नोन एज फ्लूट। जो सर्पिल खांचा होता है पूरे ड्रिल में उसे हम कहते हैं फ्लूट। तो 29 का सी ऑप्शन सही है, फ्लूट। 30 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज टू प्रिवेंट क्लॉग इन फाइन ग्रेडिंग। इसमें कह रहा है उस कटिंग, कौन सा कटिंग यूज़ करते हैं जब हम ग्राइंडिंग करते हैं दोस्तों, वो सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल होता है जो ग्राइंडिंग के दौरान, फाइन ग्राइंडिंग के दौरान जब क्लॉग ना हो इसीलिए हम सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल का यूज़ करते हैं। 30 का बी ऑप्शन सही है। 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में वह छेनी है जिससे कोने पर पदार्थ को वर्गन के लिए उपयुक्त किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। इसमें कह रहा है उस छेनी का नाम बताओ जो कोने पर से स्क्वायर के रूप में मटेरियल को हटाती है दोस्तों, वो होती है डायमंड पॉइंट चीजल, हीरक बिंदु छेनी। तो 31 का सी ऑप्शन सही है। 32 क्वेश्चन देखिए, इन ए ड्रिल बिट द एंगल बिटवीन द चीजल इज एंड द कटिंग लिप इज नोन एज। इसमें कह रहा है ड्रिल बिट में जो है चीजल एज और कटिंग लिप के बीच जो एंगल होता है, किसके चीजल एज और कटिंग लिप के बीच एंगल होता है उसे हम कहते हैं वेब एंगल। तो 32 का ए ऑप्शन सही है। 33वां क्वेश्चन, 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में दोस्तों 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 33 का बी ऑप्शन सही है, 60 मिनट। 34, अगर शंकु का आयतन 1000π/3 और व्यास 20 मिलीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, उसकी ऊंचाई होगी 10 मिलीमीटर। तो 34 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिए, मनी मस द टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल इज। इसमें कह रहा है जो हमारा मशीन टूल है उसमें लीड स्क्रू जो होता है उसमें कौन सी चूड़ी यूज़ करते हैं दोस्तों, हम ट्रेपोजॉइडल थ्रेड यूज़ करते हैं। तो 35 का डी ऑप्शन सही है। द फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड बॉटमिंग टैप डिफर इन देयर। इसमें कह रहा है प्रथम, द्वितीय और तली टैप में क्या अंतर होता है दोस्तों, उनके टेपर लीड अलग अलग होते हैं। कौन सी टेपर लीड, तीनों की अलग अलग होती हैं। तो 36 का सी ऑप्शन सही है। 37 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिश बैक फाइल। इसमें कह रहा है कौन, किस फाइल को हम फिश बैक फाइल कहते हैं दोस्तों, ये स्पेशल फाइल में आती है फिश बैक फाइल और इसका दूसरा नाम आपका है क्रॉसिंग फाइल। तो 37 का डी ऑप्शन सही है, क्रॉसिंग फाइल। 38 क्वेश्चन, ए सीट मेटल वर्कर्स एनविल इज नोन एज। इसमें कह रहा है सीट मेटल की जो एनविल होती है उसे कहते हैं चादरी धातु कर्मी की निहाई को कहते हैं स्टेक, उसे हम कहते हैं स्टेक, खूंटा। 38 का ए ऑप्शन सही है, जो सीट मेटल की जो एनविल होती है उसे हम स्टेक कहते हैं। 39 देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में को उच्च निर्वात कोष्ठ में किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर। जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है उसको हाई वैक्यूम चैम्बर में वेल्डिंग प्रोसेस को करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को हाई वैक्यूम चैम्बर में करते हैं। 39 का ए ऑप्शन सही है। 40 क्वेश्चन देखिए, एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज। कर्तन कोर पर कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा सामान्य यानी कि 90 अंश कार्य की सतह के बीच कोण कितना होता है,
जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रैक एंगल कहलाता है। तो 40 का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये आपके थे फिटर टेक्नीशियन बी के 40 क्वेश्चन। और दोस्तों इसी पेपर के बचे हुए 40 क्वेश्चन हम अगले भाग में दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसीलिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसका अगला पार्ट आप ज़रूर देखें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपका चैनल डियर देव सर में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं टेक्नीशियन बी पेपर है ये फिटर का, जो कि इसरो का पेपर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का, जो आपका हुआ था 2/6/2019 को, और इसका विज्ञापन संख्या 305 और 306 है, और पोस्ट संख्या 1393 और 1406। दोस्तों इसके ये आपका 20 सेट है, और इसको हमने हल कर पाया था, आपका फिटर का पेपर है ये इसरो का। इसके पहले 40 क्वेश्चन जो है हमने आपको पार्ट 1 में आपको हल करवाए थे, और जो आज बचे हुए 40 क्वेश्चन हैं, क्योंकि टोटल इसमें 80 क्वेश्चन हैं, जो कि अगर एक वीडियो बनाए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, तो इसीलिए इसके बचे हुए 40 क्वेश्चन जो हैं वो हम इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और जो इसके पहले जो ये 40 क्वेश्चन हैं ये हमने इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसका जो पार्ट 1 ज़रूर देखिए। दोस्तों आइए इसका शुरू करते हैं 41वां क्वेश्चन। इसमें 41वां क्वेश्चन है, टूल चैटर इज कास्ट बाय, इसमें कह रहा है टूल में चैटरिंग क्यों होती है। दोस्तों उसका एक ऑप्शन है एक्सेसिव क्लियरेंस सिंगल, क्लियरेंस सिंगल ज़्यादा होने के कारण टूल चैटरिंग करता है। तो 41 का बी ऑप्शन सही है, अत्यधिक आसपर्शी यानी कि एक्सेसिव क्लियरेंस सिंगल के कारण। 42वां क्वेश्चन देखिए, हाई कार्बन स्टील्स आर मशीन्ड यूजिंग टूल हैविंग, इसमें कह रहा है हाई कार्बन स्टील की मशीनिंग उससे करते हैं जिस टूल में नेगेटिव रैक एंगल हो, यानी कि 42 का डी ऑप्शन सही है। दोस्तों 43वां क्वेश्चन है, ये आपका फंक्शन का है, हाँ ये समाकलन करो आपका, तो x³/1+x^8 डी एक्स की वैल्यू निकालनी आपको है, तो वो आ जाएगी 1/4 tan inverse x^4। तो ये दोस्तों ये इंटर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आपको ढूंढना है जो 10+2 का मैथ है, तो उसमें आपको अवकलन और समाकलन दे रखा है, वहाँ पे आप जाके इस आंसर को आप देख सकते हैं। तो 43 का ए ऑप्शन सही है। 44 क्वेश्चन देखिए, अगर मृत्यु इस्पात का अभिस्तावित कर्तन वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 20 व्यास मिलीमीटर प्रवेदन बीट के लिए अपेक्षित घूर्णन वेग RPM कितना होगा। दोस्तों RPM पूछ रहा है, इफ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्पीड इज माइल्ड स्टील इज 20 मीटर प्रति मिनट, इसमें कह रहा है माइल्ड स्टील के लिए कटिंग स्पीड दे रखी 20 मीटर प्रति मिनट, तो इससे RPM पूछ रहा है कितना होगा। ये डाया आपका 20 दे रखा है, दोस्तों हम निकाल लेंगे πD कटिंग स्पीड इज इक्वल टू πDN/1000, वहाँ से निकल आएगा जो उसका RPM है वो 320 निकल आएगा। 44 का ए ऑप्शन सही है। 45वां क्वेश्चन देखिए, साक्षी निशानों के लिए प्रयुक्त पंचित्र का कोण क्या होगा। विटनेस मार्क के लिए प्रयुक्त पंच का एंगल कितना होगा, दोस्तों होता है 60 डिग्री, तो 45 का बी ऑप्शन सही है, 60 डिग्री। 46, हेलिक्स एंगल इज ट्विस्ट टिल डिटरमाइंस एज रैक एंगल, इसमें कह रहा है ट्विस्ट टिल में जो हेलिक्स एंगल क्या बोलते हैं, रैक एंगल भी बोलते हैं, तो 46 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, फॉर ए टर्निंग ऑपरेशन इफ द स्पिंडल स्पीड इज 128 RPM एंड द डायमीटर ऑफ द रॉड इज 25 मिलीमीटर, व्हाट इज द कटिंग स्पीड। इसमें कह रहा है कटिंग टर्निंग ऑपरेशन के लिए जो हमारे स्पिंडल स्पीड है 128 है, और RPM दे रखे हैं, और डायमीटर दे रखा है 25 मिलीमीटर, तो उसकी कटिंग स्पीड इन्होंने पूछ रहा है, तो आ जाएगी आपकी 10 मीटर प्रति मिनट, तो 47 का बी ऑप्शन सही है, 10 मीटर पर मिनट। इसका 48 क्वेश्चन है, हाँ फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग, टेपर टर्निंग और बोरिंग के लिए करना चाहिए, टूल हमारा जो है एग्जैक्टली सेंटर की हाइट पर ही सेट करना चाहिए, द टूल शुड बी सेट एग्जैक्टली एट द सेंटर, तो 48 का सी ऑप्शन सही है, उपकरण को ठीक केंद्र पर सेट करते हैं। 49 क्वेश्चन, फॉर टर्निंग लेंथी टेपर्स विद ए स्मॉल टेपर एंगल, द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड एज ऑफसेट द टेलीस्टॉक, इसमें कह रहा है
छोटे कोण वाले लंबे टेपरों की टर्निंग के लिए जो हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड अपनाते हैं। तो 49 का ए ऑप्शन सही है। 50 क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्जर डायमीटर ड्रिल विल हैव लेस आरपीएम कंपेयर टू स्मॉलर डायमीटर ड्रिल। इसमें कह रहा है समान कटिंग स्पीड के लिए जो जो बड़े डायमीटर के ड्रिल जो हैं वो कम आरपीएम होंगे और छोटे डायमीटर के ड्रिल जो होंगे वो ज़्यादा आरपीएम के होंगे। तो 50 का सी ऑप्शन सही है। इक्यावन क्वेश्चन देखिए, एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है? दोस्तों वो होता है 29 29 डिग्री। 51 का बी ऑप्शन सही है। 52 क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, रेंज जो है उसकी वो है 75 से 100 मिलीमीटर, बैरल की रीडिंग है 50.5 मिलीमीटर और थिम्बल, 10वां थिम्बल जो है ग्रेजुएशन के सामने आ रहा है बैरल का डेटम लाइन का, तो रीडिंग क्या होगी? तो रीडिंग आपकी होगी 15। तो दोस्तों इसकी रीडिंग आपकी आ जाएगी 75, 75 में 15.5 और जोड़ देंगे तो आज आपकी आ जाएगी 85 और 5, 90.5 और ये 10 और 90.6 मिलीमीटर। दोस्तों इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं था, गलत दे रखे हैं। तो 52 का अगर जो ऑप्शन आपका होगा वो आपका 90.6 मिलीमीटर हो जाएगा, 90.6 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 52 क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है, क्योंकि 75 में आप 15.5 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 90.6 मिलीमीटर। 53 क्वेश्चन देखिए, द फॉर्म ऑफ थ्रेड इन ए sawtooth इज, थ्रेड इज, इसमें कहा है sawtooth थ्रेड में कौन सी थ्रेड, मतलब थ्रेड का कौन सा फॉर्म होता है? तो एक साइड 3 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, दूसरी तरफ 30 डिग्री की। तो 53 का बी ऑप्शन सही है, एक पक्ष में 3 और दूसरी पक्ष में 30 की इंक्लिनेशन। 54 क्वेश्चन, टेपर रीमर पिन में टेपर जो होता है 50 में एक होता है, टेपर पिन में जो रीमर में जो टेपर होता है वो 50 में एक। तो 54 का बी ऑप्शन सही है। 55 क्वेश्चन देखिए, ए होल इज टू बी मेड ऑन माइल स्टील विद ए 12 मिलीमीटर डायमीटर रीमर इफ द अंडर साइज इज 0.3 मिलीमीटर एंड इफ द ओवर साइज इज 0.05 मिलीमीटर, व्हाट विल बी डिटरमाइंड द ड्रिल फॉर ड्रिलिंग द होल बिफोर रीमिंग। इसमें कह रहा है ड्रिल का डायमीटर पूछ रहा है कितना होगा। दोस्तों वो हो जाएगा जो 12 मिलीमीटर का छिद्र रीमर बनाना है वो उसका, उसमें से हम घटा देंगे अंडर साइज और ओवर साइज को, तो 12 में से 0.35 मिलीमीटर घटा देंगे तो आ जाएगा 11.65 मिलीमीटर। तो 55 का ए ऑप्शन सही है। 56वां क्वेश्चन, सम षटभुज है उसकी साइड है 10 मिलीमीटर, तो षटभुज के समतल पृष्ठ के आर पार की दूरी क्या होगी? दोस्तों वो होगी हमारी 17.32 मिलीमीटर। तो 56 का ए ऑप्शन सही है। द प्रोसेस ऑफ डिपिंग एनोडाइजिंग पार्ट इन हॉट वाटर इज नोन एज सीलिंग। इसमें कह रहा है गर्म जल में एनोडित भागों को डिप, निमज्जित यानी कि भिगोने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? दोस्तों सीलिंग कहते हैं। तो 57 का सी ऑप्शन सही है, सीलिंग। 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कोटिंग। अकार्बनिक कोटिंग का कौन सा उदाहरण है? दोस्तों वो सिरेमिक कोटिंग है, सिरेमिक कोटिंग ही अकार्बनिक कोटिंग का उदाहरण है। 58 का सी ऑप्शन सही है। 59 क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल्स टू डिटरमाइन। इसमें कह रहा है पदार्थों में जो अल्ट्रासोनिक परीक्षण किया जाता है किसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं? दोस्तों क्रैक, सरफेस के नीचे की क्रैकें जो होती हैं, दरारें, उनको जानने के लिए हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। 59 का ए ऑप्शन सही है। 60 क्वेश्चन देखिए, द हार्डेस्ट टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड इज। इसमें कह रहा है हीरा के बाद उपलब्ध सबसे कठोर टूल मटेरियल कौन सा है? दोस्तों वो है क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट।
क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट जो है हीरा के बाद उपलब्ध होने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। 60 का डी ऑप्शन सही है, क्यूबिक बोरोन नाइट्रेट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए 61। व्हेन ए टूल इज सेट बिलो द सेंटर, इसमें क्या कर रहा है, जब टूल को सेंटर के नीचे नीचे सेट करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, टॉप रैक एंगल डज नॉट चेंज, इसमें टॉप रैक एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 61 का सी ऑप्शन सही है, टॉप रैक एंगल डज नॉट चेंज, सिख रेखन रेखन कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 62 क्वेश्चन देखिए, एक गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास कितना होगा दोस्तों, इसका व्यास होगा 10 मिलीमीटर। तो 62 का ए ऑप्शन सही है, 10 मिलीमीटर। 63 क्वेश्चन देखिए, साधारण प्रवेदन यानी कि साधारण जनरल पर्पज ड्रिलिंग के लिए कौन सी ड्रिल यूज़ करते हैं दोस्तों, वो एन टाइप होती है। एच टाइप जो होती है वो हार्ड के लिए होती है, एस टाइप सॉफ्ट के लिए होती है, एन जो है जनरल पर्पज यूज होती है। तो 63 का बी ऑप्शन सही है। 64 क्वेश्चन देखिए, अगर एक वृत्त का केंद्र जो है 2.3 है, व्यास का एक अंत बिंदु 3.2 है, तो दूसरे अंत बिंदु का निर्देशांक कितना होगा दोस्तों, वो होगा 1.4। तो 64 का सी ऑप्शन सही है। 65 देखिए, लेथ डॉग का प्रयोग क्या करते हैं, केंद्रों के बीच टर्निंग के दौरान कार्य करने के लिए, तो ड्राइविंग द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन सेंटर्स, वहाँ हम लेथ डॉग का यूज़ करते हैं। तो 65 का ए ऑप्शन सही है। 66 क्वेश्चन देखिए, अगर एक आइसोमेट्रिक चूड़ी का मुख्य व्यास 6 मिलीमीटर और पिच 1 मिलीमीटर, तो टैप का साइज क्या होगा, इफ़ द मेजर डायमीटर ऑफ एन आइसोमेट्रिक थ्रेड इज 6 मिलीमीटर एंड द पिच इज 1 मिलीमीटर, द रिकमेंडेड टाइप ड्रिल डायमीटर इज 5 मिलीमीटर। 66 का ए ऑप्शन सही है, 5 मिलीमीटर। 67 क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द टेपर सैंक ड्रिल विच फिट इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड, इसमें कह रहा है टेपर सैंक ड्रिल का वो भाग है जो ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल के स्लॉट में फिट होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं टैंग। तो 67 का सी ऑप्शन सही है, टैंग, और ये टेपर सैंक ड्रिलों में ही सिर्फ होती है। 68 क्वेश्चन, लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, वो होती है मीटर। 68 का सी। 69 क्वेश्चन, इंजीनियर रूल का स्लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.05 मिलीमीटर। 69 का बी ऑप्शन सही है, माइल स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 7.8। 70 का सी ऑप्शन सही है। 71 क्वेश्चन देखिए, एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू विदस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट, किसी भी धातु को झटके और इम्पैक्ट, शॉक और इम्पैक्ट सहन करने की क्षमता कहलाती है टफनेस, चर्मलता। 71 का बी ऑप्शन सही है। 72, एक साधारण उद्देश्य से वेदन बिट का पॉइंट एंगल कितना होगा, यानी कि द पॉइंट एंगल इन ए जर्नल पर्पज ड्रिल बिट इज 118 डिग्री, 118 डिग्री होता है एक साधारण ड्रिल का पॉइंट एंगल। 72 का बी ऑप्शन। 73 क्वेश्चन देखिए, ड्रिल चक्स आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ आर्बर, इसमें क्या, ड्रिल चक जो होते हैं ड्रिल मशीन में आर्बर के द्वारा फिट किए जाते हैं। 73 का ए ऑप्शन सही है। 74, चूड़ी आपकी दे रखी है M12 × 1.25, तो इसमें 1.25 क्या है दोस्तों, ये है चूड़ी का पिच। तो 74 का बी ऑप्शन सही है, पिच ऑफ द थ्रेड। 75 क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, इसमें कह रहा है मेटिंग पार्ट के बीच में गैप चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, वो करते हैं फिलर गेज का। तो 75 का बी ऑप्शन सही है। 76, द स्पीड एट विच द कटिंग एज पॉसेज ओवर द मटेरियल वाइल कटिंग इज नोन एज, कर्तन के दौरान पदार्थ के ऊपर कर्तन कोर के चलने के वेग को कहते हैं कटिंग स्पीड। 76 का ए ऑप्शन सही है। 77 क्वेश्चन देखिए, पहले से परिवेदित छिद्रों को बहुबिंदु कर्तन उपकरण के द्वारा यथार्थ आकार में बढ़ाने और परिष्कृत करने की क्रिया कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग प्रीवियसली ड्रिल्ड होल टू एक्यूरेट साइज यूजिंग ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज रीमिंग, रीमर के द्वारा हम ये ऑपरेशन करते हैं, अगर पहले से ड्रिल हुई हो और उसको हमें फिनिशिंग करना है, थोड़ा सा साइज बढ़ाना है, तो वो रीमिंग हम करेंगे। 77 का डी ऑप्शन सही है। 78 क्वेश्चन, मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है।
बी ऑप्शन सही है 78 का। 79 क्वेश्चन देखिए, वह चूड़ी के कर्तन के लिए प्रयुक्त टूल को कहते हैं डाई। 79 का बी ऑप्शन सही है। और अंदरूनी चूड़ियाँ काटनी है तो टैप। 80 क्वेश्चन देखिए, द सैंक ऑफ ए टैप हैंड, द सैंक ऑफ ए हैंड टैप हैज़ थ्री रिंग मार्क्ड ऑन, देन इट इज़ ए बॉटमिंग टैप। देखो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास टैप है, उसकी उस पर तीन रिंग बने हुए हैं, तीन रिंग उसकी सैंक पे। दोस्तों वो हमारा होगा बॉटमिंग टैप, यानी कि थर्ड टैप। और इस पर अगर एक रिंग बना हुआ तो प्रथम टैप होता है, दो रिंग बने होते हैं तो द्वितीय टैप होता है, और तीन रिंग बने होंगे तो फिनिशर टैप या बॉटमिंग टैप भी उसे कहते हैं। तो 80 का बी ऑप्शन सही यहाँ पर है। दोस्तों ये हमारे टोटल सभी क्वेश्चन हो गए इसरो के, और इसके पहले जो 40 क्वेश्चन, दोस्तों इस वीडियो में आपने सिर्फ 40 क्वेश्चन देखे हैं, जो लास्ट के 40 हैं, जो पहले के 40 हैं वो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं पार्ट वन, उसमें आप ज़रूर देखिए, बताया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।